गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, साई राम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हो। स्टूडेंट्स, लास्ट वीक हम लोगों ने कुछ मैदानी खेलों के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम वापस एक मैदानी खेल मीन्स आउटडोर गेम हॉलीबॉल, इसके बारे में आज जानकारी लेने वाले हैं। तो आज हम जो खेल की जानकारी लेने वाले हैं वो है हॉलीबॉल। आपको पता ही होगा, जैसे फुटबॉल खेलने के लिए बॉल की ज़रूरत पड़ती है, क्रिकेट खेलने के लिए बॉल की ज़रूरत पड़ती है, वैसे हॉलीबॉल के लिए भी एक बॉल की ज़रूरत अपने को पड़ती है। और इक्विपमेंट्स हॉलीबॉल खेलने के लिए लगते हैं, एक ग्राउंड, दो पोल, एक नेट और बाकी रेफरी। वाइट चूना जो होता है, वाइट जो पाउडर होती है, वो भी मार्किंग करने के लिए लगते ही हैं। वॉलीबॉल एक मैदानी खेल है, मीन्स आउटडोर गेम है। इसे दो टीम में खेला जाता है, जैसे हर गेम दो टीम में खेला जाता है, अपना वॉलीबॉल भी दो टीम में खेला जाता है। तो चलिए आज हम लोग वॉलीबॉल के ग्राउंड के बारे में मीन्स कोर्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। आपके सामने वॉलीबॉल का कोर्ट दिख रहा है, मेजरमेंट उसमें क्लियर नहीं दिखेगा, हम लोग उसके बाद में चर्चा करेंगे। जो वॉलीबॉल का कोर्ट होता है उसका साइज जो होता है वो 18 मीटर बाय 9 मीटर। वॉलीबॉल का जो कोर्ट होता है उसका लेंथ होता है 18 मीटर और जो विड्थ होता है 9 मीटर। जहाँ पे नेट लगाया होता है, वो जो डिस्टेंस में मिडल जो होता है वो 9 मीटर पे होता है, मीन 18 डिवाइडेड बाय 2 9 मीटर। जो प्लेयर का पोजीशन होता है, आप देख सकते हैं प्लेयर का पोजीशन, जो 6 प्लेयर एक साथ में खेलते हैं वह 6 प्लेयर का पोजीशन फिक्स रहता है। एक नंबर का प्लेयर बैक साइड में खड़ा रहता है, 2, 3, 4 का जो प्लेयर्स पोजीशन है वो नेट के पास, और 5 और 6 वापस बैक साइड में। ग्राउंड के चारों ओर, थोड़े जगह रखने पड़ती हैं। सेंटर लाइन टू अटैक लाइन, जो सेंटर लाइन होता है, सेंटर लाइन टू अटैक लाइन डिस्टेंस होता है 3 मीटर पे, और अटैक लाइन टू एंड लाइन डिस्टेंस होता है 6 मीटर। जो नेट होता है, जो मिडल में नेट बांधा जाता है, उसका हाइट मेंस के लिए अलग होता है, वुमेंस के लिए अलग होता है। हाइट ऑफ द नेट फॉर मेन इज 2.43 मीटर, जमीन से लेके 2.43 मीटर हाइट पे वो नेट लगाया जाता है। वही नेट अगर गेम वुमेंस का हो तो 2.24 मीटर पे वो नेट लगाया जाता है। ग्राउंड के पिछले हिस्से में, बैक साइड में सर्विस एरिया रहता है, 3 मीटर के ऊपर आप डॉट डॉट लाइन देख सकते हैं, वहाँ पे आप सर्विस कर सकते हैं। वहाँ पे सर्विस का एरिया रहता है, वहाँ से ही सर्विस करना रहता है, और सर्विस करने के बाद बॉल जो है अपोजिट कोर्ट में गिरना चाहिए, वो भी ग्राउंड के, ग्राउंड के बाहर गिरेगा तो वो फाउल होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी ग्राउंड के बारे में हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। प्लेयर का पोजीशन हम लोगों ने देखा, अभी हम लोग यहाँ पे क्लियर नज़र में आएगा कि 6 प्लेयर का पोजीशन क्या होता है। 1 नंबर का प्लेयर बैक साइड में आपको दिख रहा है ट्रायंगल में, 2, 3, 4 ये प्लेयर जो है नेट के पास, जो अटैक लाइन है और सेंटर लाइन है उसके बीच में खड़े रहते हैं, 2, 3, 4, और 5 और 6 वापस बैक साइड में। सर्विस एरिया आपको दिख रहा है 3 मीटर का, वहाँ पर दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में सर्विस एरिया 3 मीटर। जो लेंथ है वो लेंथ है 18 मीटर और जो विड्थ है 9 मीटर। सेंटर लाइन, अटैक लाइन और एंडिंग लाइन, यही उसका ग्राउंड का एरिया होता है।
उसके लिए भी मिट्टी का ग्राउंड, गांव में तो मिट्टी के ग्राउंड में खेलते हैं, जहाँ पे जैसे है अवेलेबल हो वैसे वो गेम खेला जाता है, वो गेम बहुत फेमस है। कोर्ट मेजरमेंट लेंथ 18 मीटर विथ 9 मीटर। सेंटर लाइन टू अटैकिंग लाइन, जो सेंटर लाइन है तो अटैकिंग लाइन के जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर पर है। आपको पता है लेंथ 18 मीटर है, उसका दो पार्ट में डिवाइड किया तो 18 डिवाइडेड बाई टू 9 मीटर, 9 मीटर एक टीम का कोर्ट हो गया। तो 9 मीटर में 3 मीटर सेंटर लाइन टू अटैकिंग लाइन, बैलेंस जो 6 मीटर है वो अटैकिंग लाइन टू एंड लाइन, वो ग्राउंड पीछे का ग्राउंड, ऐसा ग्राउंड का मेजरमेंट होता है। जो लाइंस मार्किंग की जाती है, लाइंस थिकनेस तो 5 सेंटीमीटर इनसाइड द कोर्ट, कोर्ट के अंदर जो लाइंस मार्किंग की जाती है उसका थिकनेस होता है 5 सेंटीमीटर, फ्री जोन 3 मीटर। ग्राउंड के चारों ओर फ्री जोन रहता है, ग्राउंड के चारों ओर फ्री जोन रहता है वो 3 मीटर का, क्योंकि ये भी गेम जो है हम लोगों ने देखा फुटबॉल है खो खो है तो फास्ट गेम, वैसा ये गेम भी अटैकिंग गेम है वॉलीबॉल, इसलिए फ्री जोन 3 मीटर डिस्टेंस में, ग्राउंड के चारों ओर 3 मीटर डिस्टेंस खुली जगह फ्री जोन होना चाहिए। पोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट वॉलीबॉल खेलने के लिए, पोस्ट की ज़रूरत पड़ती है। दोनों साइड में दो पोस्ट लगाए जाते हैं, उस पर नेट फिट किया जाता है। पोस्ट का हाइट होता है 2.55 मीटर। अभी जो डिस्टेंस है बिटवीन साइड लाइन टू पोल, ये आपको डिस्टेंस बिटवीन साइड लाइन टू पोल 0.5 मीटर टू 1 मीटर। साइड लाइन से जो एक्स्ट्रा जोन होता है वहीं पे ये पोल फिक्स किया जाता है, और 0.5 मीटर टू 1 मीटर पे वो पोल फिक्स किया जाता है। डिस्टेंस बिटवीन पोल टू पोल, दोनों पोल के बीच में डिस्टेंस होता है 10 मीटर टू 11 मीटर। आपका ग्राउंड का विड्थ कितना है 9 मीटर, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन पोल टू पोल या तो 10 मीटर रख सकते हैं या 11 मीटर, डिपेंड ऑन योर नेट। नेट का लेंथ जो होता है 9.50 मीटर टू 10 मीटर, जो लेंथ होता है नेट का 9.50 मीटर टू 10 मीटर, और जो विड्थ होता है 1 मीटर, मीन नेट का जो साइज हो गया 1.9.5 या 10 मीटर। जब हमने देखा कि हाइट मेंस के लिए 2.43 मीटर और वुमेन्स के लिए 2.24 मीटर, नेट का जो हाइट रहता है जो मेंस के लिए होता है 2.43 मीटर और वुमेन्स के लिए होता है 2.24 मीटर। टॉप बैंड, नेट के चारों बाजू में एक बैंड रहता है, मीन्स रस्सी लगाने के लिए, उसको टॉप बैंड बोलते हैं 7 सेंटीमीटर का, और साइड में जो दोनों साइड में बैंड रहता है उसको 5 सेंटीमीटर का बैंड रहता है, उससे हम लोग रस्सी मीन जो नेट है वो लगा सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा ग्राउंड का मेजरमेंट, ग्राउंड का जो मेजरमेंट है 9.18, पोस्ट का हाइट है 2.55 मीटर, नेट का लेंथ है 9.50 टू 10 मीटर तक, विड्थ है 1 मीटर, 1/9.5 टू 10 मीटर। जो बॉल वॉलीबॉल के लिए खेला जाता है उसका वेट 260 ग्राम टू 280 ग्राम, अलग अलग वेट के बॉल रहते हैं, कोई 260 ग्राम टू 280 ग्राम का बॉल यूज़ कर सकते हैं। बॉल का सर्कुलफ्रेंस रहता है 65 सेंटीमीटर टू 67 सेंटीमीटर। जो बॉल वॉलीबॉल के लिए यूज़ करते हैं उसका जो वेट रहता है 260 ग्राम टू 280 ग्राम, और जो बॉल का सर्कुलफ्रेंस रहता है 65 सेंटीमीटर टू 67 सेंटीमीटर। वॉलीबॉल खेलने के लिए जो टीम रहता है, टीम में प्लेयर रहते हैं 12, दोनों टीम में 12-12 प्लेयर खेलते हैं, लेकिन एक्चुअली जब भी गेम खेला जाता है तभी प्लेयर ग्राउंड में उतरते हैं सिर्फ 6 प्लेयर प्लेइंग द गेम और 6 प्लेयर सब्स्टिट्यूट। जब भी कोई इंजोर हो जाता है या किसी की ज़रूरत पड़ती है तभी एक सब्स्टिट्यूट अंदर
आ जाता है। अभी जो गेम होता है बेस्ट ऑफ फाइव सेट, हर एक गेम सेट पे ही होता है, तो इसका फाइव सेट खेला जाता है। इस सेट 25 पॉइंट्स, एक सेट जो होता है 25 पॉइंट का होता है। जो टीम 25 पॉइंट कमाती है वो एक सेट की विनर होती है। ऐसे आपको 3 सेट विन करना पड़ता है तभी आप मैच विनर हो जाते हो। टाइम आउट 2 बार इस सेट, ईच टीम एक सेट में ईच टीम के लिए 2 बार टाइम आउट होता है। रेस बिटवीन सेट, 2 सेट के बीच में रेट्स होते हैं, सेट्स में रेस होते हैं 3 मिनट्स की। इसके बीच में टेक्निकल टाइम आउट भी होता है एवरी सेट अप टू 4th सेट। जो टेक्निकल टाइम आउट होता है एवरी सेट अप टू 4th सेट, 4 सेट तक आप टेक्निकल टाइम आउट ले सकते हैं। टेक्निकल टाइम आउट का ड्यूरेशन होता है सिर्फ 60 सेकंड, मीन्स 1 मिनट। जो टेक्निकल टाइम आउट होते हैं वो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 4 सेट होते हैं, उसमें ही हम लोग ले सकते हैं। 5वें सेट में टेक्निकल टाइम आउट नहीं ले सकते क्योंकि जस्ट कभी दोनों टीम ने 2-2 सेट जीत लिए तो 5वां सेट खेलना ज़रूरी होता है और वो सबसे इम्पोर्टेंट सेट होता है, इसलिए उसमें टेक्निकल टाइम आउट नहीं होता है। डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कंटिन्यू अंटिल विन द सेट। जब भी 5वां सेट होता है तो जो पॉइंट्स का डिफरेंस होता है वो 2 का होना ज़रूरी है। मीन्स 25 पॉइंट्स का अगर सेट हो गया और एक टीम का 25 पॉइंट्स है और एक टीम का 24 पॉइंट्स है तो दोनों में डिफरेंस 1 ही पॉइंट का हो गया ना, तो जब भी वो 23-25 रहेगा तभी वो मैच कंप्लीट होगा, या 25-27, 26-28, ऐसा 2 का डिफरेंस होना ज़रूरी होता है तभी वो सेट कंप्लीट होता है। मैच खेलने के लिए ऑफिशियल की भी ज़रूरत पड़ती है, रेफरी 1, 1st रेफरी 1, सेकंड रेफरी 1, एक स्कोरर की ज़रूरत होती है, असिस्टेंट स्कोरर की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे करके आपको रेफरी 2, स्कोरर 2, लाइन जज करके किसी प्लेयर का पैर बाहर जा रहा है, बॉल बाहर गिर रहा है क्या, ये देखने के लिए लाइन जज होना ज़रूरी है। तो लाइन जज, अदर कंपोजिशन 2, और इंटरनेशनल जो मैचेस होते हैं उसमें 4 होते, 4 बाजू में। तो लाइन जजेस फ्लैग्स 40x40 सेंटीमीटर, जो फ्लैग रहते हैं वो 40x40 सेंटीमीटर के रहते हैं, लाइन जज फ्लैग। तो ये ऑफिशियल के बारे में हो गया। अच्छा, इट इज़ अ कंपल्सरी फॉर ऑल द प्लेयर्स टू स्टैंड इन देयर रिस्पेक्टिव एरिया एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। जब भी खेल शुरू होता है तभी सभी प्लेयर को अपने जगह पे खड़ा रहना जरूरी होता है। हमने देखा स्टार्टिंग में कि प्लेयर का स्टैंडिंग पोजीशन क्या होता है। हाउएवर, द प्लेयर आर अलाउड टू मूव टू एनी पार्ट ऑफ द कोर्ट वंस द बॉल इज सर्व। एक बार बॉल सर्व हो गया तो आप ग्राउंड में मूव कर सकते हैं, लेकिन जब तक बॉल सर्व नहीं होता है, सर्विस नहीं होती है, तब तक आप अपनी जगह पे खड़ा होना ज़रूरी होता है। फ्रंट रो, यूजुअली द बॉल हिट बिटवीन द नेट एंड द अटैक लाइन इज हिट बैक बाय द प्लेयर्स इन द फ्रंट रो। फ्रंट रो का काम क्या होता है, यूजुअली द बॉल हिट बिटवीन द नेट एंड द अटैक लाइन, नेट और अटैक लाइन के बीच में जो बॉल होता है उसको प्लेयर को क्या करना है, जो यूजुअली द बॉल हिट बिटवीन द नेट एंड द अटैक, उसके लाइन के बॉल कब को हिट करना है। देयर फॉर ऑल द 3 प्लेयर्स ऑफ द फ्रंट रो टेक पार्ट इन स्मैश द बॉल टू द अदर साइड। स्मैश करने के लिए, स्मैश ये स्किल खेलने के लिए फर्स्ट रो का यूज होता है। नॉर्मली द प्लेयर्स इन एरिया 2 एंड 4 स्मैश द बॉल। नॉर्मली प्लेयर नंबर 2 एंड 4 स्मैच द बॉल, दोनों कॉर्नर के दोनों प्लेयर ये स्मैच खेल सकते हैं। रियर रो, पीछे का लाइन, मीन्स 5, 6 एंड 1, द प्लेयर इन एरिया 1 इज सर्विंग प्लेयर, जो नंबर 1 पे खड़ा रहता है वो सर्विस करता है। ही ऑल्सो हैज़ टू टेक केयर ऑफ द बॉल दैट कम्स एट राइट बैक कॉर्नर। राइट कॉर्नर बैक पे जब भी बॉल आता है वो उसको हैंडल कवर करता है। द प्लेयर इन एरिया 5 टेक्स ऑल द बॉल दैट कम टू द बैक लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड। लेफ्ट कॉर्नर में नंबर 5 रहता है।
द प्लेयर इन एरिया सिक्स प्लेज अ लिटिल इन द फ्रंट, ही हैज लिटिल एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जो सिक्स नंबर का प्लेयर रहता है उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहता है। बच्चों, यहाँ तक हमने वॉलीबॉल का ग्राउंड के बारे में डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम उनके स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये ध्यान से देखने लाएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।